ऐसे बिहार के भोजपुरिया जगत पर राज करने वाले कॉमेडी स्टार मनी मिराज के पर्सनल रिपोर्टर को आज अपने दर्शकों को दिखाने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे एक शख्स से आप दर्शकों को मुलाकात। वैसे बिहार के भोजपुरिया जगत पर राज करने वाले कॉमेडी स्टार मनी मिराज के पर्सनल आज अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। और आज जो हमारे सामने साधारण सा व्यक्ति जो दिख रहे हैं आपको, एकदम सादगी ड्रेस में जो दिख रहे हैं, इनका नाम बलिंदर यादव है और कल तक भोजपुरिया चैनल के एक पत्रकार भी हैं। और आज अपने दर्शकों के इनके बीच जो हमारा सवाल होगा वो कड़ा सवाल होगा, और कड़ा सवाल जो होगा वो भोजपुरी अश्लीलता को लेकर होगा। आज चूँकि ये खास मनी मिराज के पर्सनल रिपोर्टर हैं और प्रत्येक पर ये न्यूज कवर करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। बालिंदर जी, आप हमारे कैमरे पर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले जी ई न्यूज बिहार को सबसे पहले जितने दर्शक देखते हैं उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहेंगे। खास करके हम ज़्यादा मनी मिराज जी का इंटरव्यू करते हैं और मनी मिराज जी का हर वीडियो का रिपोर्ट बताने की कोशिश करते हैं। कहना ये है कि अभी भोजपुरी जगत को लेकर, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, जी जी, भोजपुरी जगत में अश्लीलता को लेकर बहुत बड़ा बहस छिड़ गया हुआ है और आपके मनी मिराज जी के बहुत सारे वीडियो में भी अश्लील शब्दों का उच्चारण होता है। देखिए, अश्लील तो ज्यादा करके मनी मिराज जी के वीडियो में नहीं होता है मेरे अनुभव से। अच्छा। क्योंकि वो ज्यादा हमारे देहात में देखिएगा तो हम लोग भी बचपन में ज्यादा करके गालियां देते थे किसी को भी, सरवा बांचोद ऐसे करके बोलते थे, आप भी बोले होंगे, है कि नहीं। तो बचपना दिखाने का कोशिश करते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब देश में वो जो हमारे बिहार में है वो कहीं ना कहीं हुआ रहता है, वो दर्शा करके दिखाने का कोशिश करते हैं दर्शकों को और दिखाते हैं एकदम संपूर्ण रूप से। आप किसी भी वीडियो जा करके देखेंगे तो पूरे मतलब दुनिया में हुआ रहता है वही मनी मिराज जी दिखाते हैं। जी जी। लेकिन फिर भी आज का जो भोजपुरी स्टार जो अपने आप को कहते हैं, अभी वर्तमान में भोजपुरी में ऐसा कहा जाए कि भोजपुरी में दो डॉग हम इसलिए कहेंगे कि जो केवल एक दूसरे पर भौंक रहा है और वो दोनों डॉग प्रसिद्ध हो चुके हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लोग मतलब अपने बहुत ऐसे स्टार लोग जो हैं, छोटे कलाकारों को मैं बोलना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसे लोग जो हैं वो अहंकार में जीते हैं ज्यादा। अच्छा। कि हाँ ऐसे मतलब कुछ हो जाते हैं, थोड़ा सा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मैं तो भगवान हो चुका है, ऐसा करके सोचते हैं लोग। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजपुरी अभी जिस हिसाब से भोजपुरी अभी बहुत आसमान छूने लगा है, उसके साथ साथ में आप देख रहे होंगे कि लगातार जातिवाद चल रहा है। पवन सिंह का कुछ लोग अलग खेसारी लाल को गाली दे रहा है, खेसारी लाल के लोग पवन सिंह को गाली दे रहा है, और इतना ही नहीं एक मगहिया जवान भी है उन पर भी बहुत सारा कटाच हो रहा है, वो भी कटाच कर रहे हैं ऐसे लोगों को। हालांकि मनी मिराज जी अभी उन लेवलों में बहुत आगे निकल चुके हैं और उन पर किसी भी तरह का इस तरह का कोई कमेंट नहीं कर रहा है और सभी के दायरे से उनको एक अच्छा कलाकार का उनको उपाधि भी मिल रहा है। ऐसे कलाकारों का आप क्या कहेंगे? देखिए, मनी मिराज जी ऐसे एक आदमी है जो कि मतलब पहचान की मोहताज तो है ही नहीं है, पूरे बिहार में और यूपी में छाए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। और उनका रिपोर्ट हम हर रिपोर्ट बताते हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर के और खेसारी लाल यादव जी को लेकर के। हाँ। तो खेसारी लाल यादव जी का मैं बहुत सारी वीडियो का क्या बोलते हैं रिपोर्ट बताए हुए हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं आप लोग। और पवन सिंह जी का बात किए तो बहुत ज़्यादा खिलाफ अभी खबर चल रहा है ऐसे कुछ मगहिया जवान को लेकर के। हाँ। लेकिन मगहिया जवान जो करते हैं हमारे अनुभव से वो अच्छा नहीं करते हैं। अच्छा नहीं करते? नहीं, क्योंकि किसी को भी खुलासा गाली देना वो अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जिस अश्लीलता की बात वो करते हैं और खुद ही अश्लील गालियों को प्रयोग कर रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि वो खुद मतलब अश्लील वही खुद फैला रहे हैं? जो बच्चा मतलब जो जिसको गाली देना नहीं आता है वो भी उनके वीडियो से गाली देना सीख जाता है। हाँ। कि हाँ, हाँ इस तरह के वो गाली दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे। क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को आप? देखिए, संदेश यही देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से कम मतलब गाली का वर्ड कम दे। हाँ। गाली ज्यादा मत दे क्योंकि उससे बच्चा लोग भी खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं स्कूलिया जो बच्चा होते हैं छोटे स्कूल में भी जाते हैं तो गालियां का प्रयोग ज्यादा करते हैं।
अब मैं दर्शकों से बोलूंगा कि आज के जो सुपरस्टार डॉग हैं, जो टीवी और सोशल मीडिया पर लगातार बने हुए हैं, उनसे कई गुना अधिक आप मनी मीरा जो कॉमेडी स्टार हैं ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज अभी उनके प्रति किसी का भी सहानुभूति हो सकती है लेकिन कटाक्ष नहीं है, और इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। मनी मीरा से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। मनी मीरा का हमारे कैमरे पर इंटरव्यू हुआ है, जरा भी कहीं कोई घमंड नहीं, कोई भी नहीं, एकदम सादगी भेष में वो हमारे कैमरे पर आए हैं और हकीकत को वे किए हैं। आज थोड़ी सी लोगों को, चूँकि हमारे दर्शक ही सब कुछ है, और घमंड तो दर्शकों को होना चाहिए लेकिन घमंड इन कलाकारों को हो गया है, जिसके कारण भोजपुरी का पतन भी शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, मनी मीरा जी को मैं पहले ही बोले थे कि गाली जो अपना प्रयोग करते हैं, हाँ, वो गाली मतलब हकीकत में बच्चा लोग देता है गांव जवार में। आप देखे होंगे या सब लोग सुनते होंगे कि हाँ, हकीकत में उस तरह का गालियाँ दिया जाता है बिहार में, मतलब वो चुपके एकदम फ्रेंडशिप में गालियाँ दिया जाता है, वो किसी को खराब नहीं लगने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे नहीं है कि वो किसी औरत को खुलासा गाली दे। हाँ। मनी मीरा जी आज तक किसी औरत को गाली नहीं दिए हैं। हाँ। ऐसे मतलब होगा, अपने आप में दोस्त फ्रेंड में गालियाँ देते हैं, बस उतना ही। आप देख रहे थे भोजपुरी जगत के, कल तक भोजपुरिया जवान कहा जाएगा, इनका एक चैनल चलता है, और बलिंदर यादव को आप देख रहे थे, मनी मीराज के खास करीबी पत्रकार हुए, प्रत्येक वीडियो को वो न्यूज पर कवर करते हैं, और आप इनके चैनल पर भी जाएं, इनको प्यार दें, सहयोग करें, और ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।